हाँ ईट ऑन बा कैमरा ऑन बा। ओके बाइक चलाना सीख गया, अभी पापा को बोलेगा तुमको एक बाइक खरीद के देने के लिए। नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। मेरे जैसा क्या, मैं तो बुढ़ा हो गया हूँ। तरीका स्पीड क्या है चलाता रे, ये बहुत ज्यादा हो गया है। देखो रोड ही नहीं मिल रहा है। सो गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस कल मैं अपना बाइक का बहुत ही मतलब रिपेयर किया, बहुत कुछ खराब हो रखा था और इस रिपेयर करने में मेरा एक दोस्त जो कि हीरो डीलर में काम करता है उसने मदद किया भाई। वो हीरो डीलर पे लेके जाके अपना फ्री टाइम पे बहुत कुछ रिपेयर कर दिया, जैसे कि रिपेयर इतना ज़्यादा नहीं था लेकिन टाइट वाइट कर दिया। देखो चेन, पहली बात तो चेन बहुत ढीला था, चेन टाइट कर दिया। उसके बाद ये जो इंडिकेटर है, पीछे का इंडिकेटर, देखो आप लोगों को पता है, अगर आप लोगों ने पिछले वाले व्लॉग्स मेरे देखे होंगे तो पता होगा कि ये दो इंडिकेटर्स टूट गया था तो इनको दिया है। उसके बाद मैं हैजर्ड नहीं लगाया लेकिन ये स्विच लगवा के चारों इंडिकेटर एक साथ जलने के लिए ऐसा मतलब काम कर दिया। ऊपर से ये ब्रेक जो लूज हो गया था, लूज मतलब क्या, इसका नट गिर गया था तो इसको भी फिटिंग कर दिया उसने। इंडिकेटर आप लोगों को चारों साथ में जला के दिखाता हूँ। चलिए ये साइड का स्विच दे दिया तो ये देखो अभी बहुत ही ज़्यादा धूप पड़ रही है लेकिन इसमें बहुत ही कम दिखेगा आप लोगों को। अगर रात को हो सकता है तो मैं आप लोगों को दिखा दूंगा। ये देखो दोनों इंडिकेटर साथ में चल रहे हैं लेकिन स्विच इधर लगा दिया यार, इसको अगर हैंडल पे लगा देता तो और ज़्यादा अच्छा होता। ये बंद कर दिया तो सिर्फ एक ही चलेगा, ये जो लेफ्ट का चल रहा है। फ्रंट साइड का भी ऐसा ही है, फ्रंट से भी आप लोगों को दिखाता हूँ। देखिए ओके फ्रंट का थोड़ा बहुत दिखेगा क्योंकि इधर इस तरफ धूप नहीं है ना। और मुझे ऐसे पता नहीं है कि मैं अभी कहाँ निकल के जा रहा हूँ, बट निकल के जा रहा हूँ भाई, कहीं पे तो निकल के जा रहा हूँ क्योंकि मुझे व्लॉग्स अपलोड करना है। मेरा रेगुलर व्लॉग्स नहीं आ रहा है, वैसे जाने के लिए कोई जगह है भी नहीं, ऊपर से इतना ज़्यादा गर्मी है तो मतलब क्या करता हूँ पता नहीं। ओके मोबाइल ले नहीं लिया यार मैं। तभी मुझे लग रहा था कि मैं क्या छोड़ के आ गया हूँ, मतलब कुछ नहीं लिया मैंने साथ में ऐसा लग रहा था। इसलिए कभी भी बाइक पे बैठने के बाद मैं देखता हूँ कि मैंने कुछ छोड़ तो नहीं दिया, कुछ छूट तो नहीं गया मेरे से। मैं देखा कि मैं अपना मोबाइल ही नहीं लिया यार, वही सबसे ज़रूरी चीज़ है और वही नहीं लिया मैंने। मेरे पास अगर एक दिन भी, मेरे पास ही नहीं सभी के साथ ऐसा ही होगा, एक दिन के लिए भी मोबाइल अगर साथ में नहीं होता है ना भाई, लगता है कि अपने शरीर का कोई टुकड़ा गायब हो गया है, बहुत बड़ा मतलब पार्ट खो गया है ऐसा लगता है अपने शरीर का, समझ रहे हो मतलब क्या बोलना चाहता हूँ मैं। चलो ऐसे ही अभी जाते हैं। बाइक तो चला के बहुत मस्त लग रहा है क्योंकि कोई साउंड, एक्स्ट्रा साउंड नहीं आ रहा है, कोई पार्ट हिल नहीं रहा है, बट बाइक चला के अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि इसका इंजन लग रहा है कि बहुत ही ज़्यादा घिस रहा है और इंजन बोल रहा है कि भाई मुझे सर्विसिंग करो, मेरा ऑयल चेंज कर दो। तो भाई मैं मोतुल का 7140 10W50 ग्रेड का तेल ऑर्डर किया हूँ तो उसको अगर टाइम मिलता है, टाइम अगर होता है मेरे पास, मेरे बाइक का इंजन का ऑयल भी चेंज करवा लूंगा, तभी मतलब बाइक चला के बहुत ही ज्यादा मस्त लगेगा। चला के भी देखने में तो वैसे भी मस्ती है, अपना बीस्ट है ना। अपना बीस्ट का आज तक मैंने कोई नाम नहीं रखा है यार, आप लोग नाम सजेस्ट करो ना प्लीज यार, प्लीज करो ना इसके लिए कोई नाम सजेस्ट करो यार। मैं आज तक अपने बाइक का मतलब मैं सोचता हूँ, बहुत सारे यूट्यूबर लोग देते हैं अपने बाइक्स के नाम, जैसे कि UK07 राइडर का ही पकड़ लो, उसने अपना बाइक का नाम रखा है एको, ये जो है अपना बियर बाइकर सामी तो उसने भी रखा है अपने बाइक का नाम टोक्यो रखा है। वैसे ही मतलब मेरा भी मन करता है कि मैं भी अपने बाइक को वेनम रखा था शायद, मेरे हिसाब से वैम्प रखा था, स्ट्रीट बर्नर सॉरी उसका नाम भूल गया था यार, क्या चलाता है यार वो बंदा बाइक, वो चला रहा है उसका कुछ होता है कि नहीं पता नहीं भाई। मैं घर पे बैठ के देखता हूँ मेरा दिल धड़कता रहता है यार, मतलब लगता है गया भाई, गया अभी ऐसा लगता है भाई। वो चलाता कैसा है भाई मुझे नहीं पता यार, लेकिन बंदा बहुत ज़्यादा कूल है भाई। और मुझे पता नहीं है आज बहुत दिनों के बाद मुझे व्लॉग करने में क्यों इतना ज़्यादा मतलब कॉन्फिडेंस आ रहा है, क्यों इतना ज़्यादा एनर्जेटिक फील कर रहा हूँ पता नहीं भाई। ऐसा ही अगर हर रोज़ फील करूँ तो भाई हर रोज़ बनाने का मन करता है। और गाइस देखो होली आ रहा है और होली का शॉपिंग भी करना है हमको। देखो एक वाइट कुर्ता खरीद लूँगा यार, वो खरीदने से मतलब वो होली में पहनूंगा तो मतलब कलर्स दिखेंगे और क्या मतलब अच्छा लगेगा यार, और कुछ नहीं। और हमारे एरिया में इतना ज़्यादा टमटम हो गया है ना, ये टमटम समझ रहे हो ना, ये जो ई रिक्शा ये बहुत ज़्यादा हो गया है। देखो रोड ही नहीं मिल रहा है।
कुछ ना। हाँ इट ऑन बा कैमरा ऑन बा। हाँ हाँ हिंदी में बात कर। हिंदी सकेले कि ना सकेले हिंदी तो बोलते नहीं हम। क्यों बुलाया हमने ऐसे ही बुलाया है आपको। A few moments later. तो गाइस इसको मैं बाइक चलाने के लिए दे रहा हूँ, देखो एक्सेलरेटर सिर्फ यही दे रहा है, मैं नहीं दे रहा हूँ, है ना अंशु। और इसका नाम अंशु है और मैं सिर्फ एक साइड का हाथ पकड़ के रखा हूँ हैंडल और खुद चला रहा है बाइक। भाई अंशु कैसा लग रहा है? ठीक लग रहा है। आगे देखो आगे, पीछे नहीं आगे। ओके बाइक चलाना सीख गया, अभी पापा को बोलेगा तुमको एक बाइक खरीद के देने के लिए। नहीं चाहिए। नहीं चाहिए? क्यों नहीं चाहिए? ए बड़ा हो गया तुम। हो गया रे, और कितना बड़ा होगा? तुम्हारा जैसे हो जाएगा तब के लिए। मेरे जैसा क्या, मैं तो बुड्ढा हो गया हूँ, बड़ा कितना होना है? और क्या बुड्ढा हो गया? तेरी का स्पीड क्या है चलाता रे? एकदम धीरे धीरे, एकदम धीरे धीरे। बिहार में बोलता है ना का? तो हिंदी में बोल। तू हिंदी बोल, हम हिंदी में बोले। ओ ठीक है ठीक है, अब से हिंदी में बात करेंगे, है ना। किधर जाके? उधर साइकिल के पास में। चलो रुका देंगे, कोई बात नहीं। चला लिया, बहुत चला लिया ना। रुको रुको थोड़ा धीरे से। हाँ तो वहाँ उधर रुका देंगे, कोई बात नहीं। हाँ ले उतर जो। हैं लो भाई चला। ले चला। ऐसे नहीं सकेगा, और कैसे सकेगा। कैसा लगा बाइक चला के? अच्छा लगा। गुड इवनिंग, अभी 5:17 हो रहे हैं। मैं वहाँ से आके सो गया था और अभी जस्ट मैं नहा के आया हूँ, जस्ट फ्रेश हो गया हूँ और अभी मैं जाऊँगा छत के ऊपर। छत मुझे ये वाला वीडियो एडिट करना है। मैं बाहर नहीं निकल के जा रहा हूँ, इसलिए मतलब छत पे आके वीडियो को एडिट करके फिर एक्सपोर्ट भी करना है, उसके बाद अपलोड भी करना है, नहीं तो नीचे मतलब इतना ज़्यादा फास्ट नहीं है नेटवर्क। मैं अभी इधर ही छत पे ही एडिट करूँगा ये वाला वीडियो और इधर ही एक्सपोर्ट करूँगा, इधर ही अपलोड करूँगा आज का ये वाला वीडियो, ठीक है। और अभी देखो शाम हो चुका है, देखने में सीनरी बहुत ही ज़्यादा मस्त लग रहा है और आप लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था। देखो टाइम, अरे यार देखो 5:20 अभी हो रहा है। और मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाता हूँ, ये देखो हमारे इधर लीचू जो है ना, लीची, इसको लीची ही बोलते होंगे हिंदी में, तो इसका बहुत ही ज़्यादा फूल उठ रहा है, फूल उग रहा है, मतलब समझ लेना यार, अगर कोई वर्ड बनाने में मिस्टेक हो गया हो तो सॉरी, क्योंकि हर रोज़ बोलते नहीं है ना हम, तो हिंदी बोलने में कभी कभी मतलब इतराते नहीं गलत हो जाता है, ठीक है, इसीलिए इतराते हैं। तो आज का ये वीडियो मैं इधर ही एंड कर रहा हूँ, मिलते हैं आप लोगों से एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।